नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों, रस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विभत्स रस पर बात करेंगे। विभत्स रस आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे मन हट रहा हो, घृणा हो रही हो, ग्लानि हो रही हो, अरुचि हो रही हो। कई बार ऐसा होता है, अगर हम पूर्ण रूपेण शाकाहारी हैं और हमारे सामने कोई ऐसा व्यंजन बना रहा है जो हम नहीं पसंद करते, तो फिर कई बार तो लोगों को उल्टी भी हो जाती है, कई बार नाक बंद कर लेते हैं, घृणा है, बदबू आ गई, कोई सड़ रही है चीज, देख लेते हैं। एक बार परिभाषा विभत्स, घृणित व्यक्ति, व्यक्ति भी हो सकता है। लोग कहते हैं उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मान लीजिए उसको जल गया है बुरी तरीके से कोई, यद्यपि दया का भाव होना चाहिए, घृणित व्यक्ति। या वस्तु के दर्शन या श्रवण, दोनों बातें हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों। इसलिए दर्शन का मतलब उसे देख ले या उसके बारे में वर्णन सुन ले, वस्तु के दर्शन या श्रवण से उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि, दोनों चीजें हो सकती है। घृणा हो गई या ग्लानि हो गई, जहां पर ऐसा होता है वहां विभत्स रस की पुष्टि होती है। ये तो रटी हुई परिभाषा है, सीधी सी बात, किसी को देखे या सुने और सुन करके नाक भौं सिकोड़ने लगे, घृणा आ जाए, ग्लानि हो जाए, वहां पर होता है विभत्स रस। क्या ये उसके चारों अंग देख लेते हैं, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसे ग्लानि भी कह सकते हैं। क्लास 10th 11th 12th के बच्चे केवल जुगुप्सा याद कर लेंगे, काफी है उनको। केवल स्थायी भाव ही पूछा जाता है, एक उदाहरण पूछा जाता है, स्थायी भाव जुगुप्सा हो गई, जा है, जा में छोटे की मात्रा है, जुगुप्सा जिसको ग्लानि कह सकते हैं आप। विभाव के दोनों रूप आलंबन और उद्दीपन, आलंबन में देखें खून देख करके, अरे भाई किसी का मर्डर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, और देखें आपके बराबर जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है खून की धारा बह निकली है, आप एकदम घबरा जाएंगे, गस भी खा सकते हैं, आपको घृणा भी हो सकती है। वो घृणा का मतलब ये कि बाप रे बाप यहां से हटो जल्दी, तो रक्त हड्डियां पड़ी हो कहीं सामने, तो हड्डी दुर्गंध बदबू, ये इसके आलंबन था। उद्दीपन में कीड़े पड़ जाना, अत्यधिक सड़ांध आना, मांस का सड़ना, ये सारी चीजें विभाव के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे बढ़ते अनुभव में देख लेते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। अरे भाई मुंह बनाने लगेंगे, कई बार वहां से उठ जाएंगे, नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे, कई बार लोग उठकर थूकने लगते हैं, थूकना संचारी भाव देख लें, ग्लानि मन में होगी ही, आवेग आएगा, एक मिनट के लिए हटे यहां से, शंका होगी, चिंताएं होंगी, ये सारे आपके थे संचारी भाव। अब आइए दो तीन उदाहरण की बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण देख लें आप, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, बड़ा बढ़िया उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मैंने एक पंक्ति लिखी है क्योंकि बाकी लिखने में दिक्कत होती, आप और न समझ पाते। सिर पर बैठो काग, एक शव है, डेड बॉडी है, मुर्दा है, उसके सर पर कौआ बैठा हुआ है। सिर पर बैठो काग, डेड बॉडी है, उसे रोक सकती नहीं हो, उसमें चेतना नहीं है। सिर पर बैठो काग कर क्या रहा है, आंख दो खात निकारत, लावारिस लास मान लेते हैं, सर के ऊपर कौआ बैठा हुआ है और दोनों आंखें खा रहा है, चोंच को घुसेड़ता है आंख के अंदर, चोंच गई और निकाला मांस खाता, दो खात निकारत। और अगली बार बता दें, अगला पंक्ति यहां लिखी नहीं, बता देते हैं, और जीभ नोचत स्यार, सियार भी आ गया है, उसकी जवान नोच रहा है खींचने के लिए, अब अति ही आनंद उर्धारत, उसके लिए तो आनंद प्रदायक क्षण है, भरपेट भोजन मिला है। तो कहते हैं सिर पर बैठो, यहां पर अगर हमको घृणा होगी, आपको घृणा होगी, आप कितने भी वो हों, लेकिन जब आप देखेंगे किसी शव की ये दुर्दशा,
एक पक्षी खा रहा है, नोच रहा है, तो आपके मन में घृणा का भाव आएगा, आप मुंह घुमा लेंगे, आंखें घुमा लेंगे, उधर हट जाएंगे, और यही जो आपके मन में एक रस की धारा बही, वो रस कौन सा होगा? विभत्स। आइए दूसरा देखते हैं। रामदास कविता बड़ी प्रसिद्ध है। उस कविता में एक व्यक्ति को बता दिया जाता है कि तुम्हारी हत्या होनी है। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या होगी। उसी कविता की बड़ी सरल कविता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है, कहते हैं देखें आप, जो उसकी हत्या का समय था, निकल गली से तब हत्यारा, जिस गली में रामदास रहता था, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, रामदास बाहर आओ, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, अरे हाथ तौल कर चाकू मारा। उस जमाने कविता बंदूकें कम थी, हाथ तौल कर चाकू मारा, और जो ही चाकू मारी जाती है, छूटा लहू का फरवारा, लहू कहते हैं खून को, खून का फवारा निकलने लगा, उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या। अब देखें कल लहू का फवारा निकलना, चाकू निकाल के मार देना, उसी जगह चारों तरफ रक्त का फैल जाना, यहां पर विभत्स रस के दर्शन होते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा भी, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कौवे चुगला चुगला कर खाते। जो पहला उदाहरण था उससे मिलता जुलता है, आंखें निकाल उड़ जाते, जरा सा आंख खाई और उड़ गए, कौन? क्षण भर छू कर कौवे, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, तमाम पक्षी उड़ रहे हैं, बार बार आ जाते हैं, शव जीव खींच कर कौवे, शव की जीव, डेड बॉडी का रसना जबान खींच कर कौवे चुभला चुभला कर बड़े प्रेम से खा रहे हैं। साथियों एक उदाहरण और देंगे आपको, मैंने जानबूझकर रोका है विशेष रूप से अपने बड़े लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए, अंतिम उदाहरण है। जगन्नाथ रत्नाकर की पंक्तियां हैं, श्रृंगार रस बहुत भयंकर है। भगवान कृष्ण जब मथुरा पहुंचते हैं, वहां कुब्जा नाम की एक दासी, जब सुना होगा कुबड़ निकला हुआ था उसके, और उस कुब्जा के साथ भगवान ने उसको हाथ फेर कर उसका कुबड़ हालांकि ठीक कर दिया था, पर गोपिकाओं ने उसे भी अपनी एक सौत मान लिया। गोपिकाओं ने यह कहना शुरू कर दिया, अरे ये कुब्जा तो जन्म की ही जली हुई है, अरे ये तो बड़ी विचित्र है। और वो कहती हैं, साथियों ध्यान दें, मैं पूरा आपको कवि तो सुनाता हूं, कहती है सीता अशगुन को कटाई नाक एक बेर, अरे ये जानते हो कौन है? बोले ये पिछले जन्म की सूपनखा है, सीता अशगुन को कटाई नाक एक बेर, इसने एक बार सीता जी का अशगुन करने के लिए अपनी नाक कटवा ली थी। सीता अशगुन को कटाई नाक एक बेर, और सोई करी कूब राधिका पर फेरी फाटी है। कितने बढ़िया भाव हैं, कहती सोई कर, अरे वो नाक कटी थी त्रेता में, और वो नाक का मांस बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि सोई करी कूब अब उसका कुबड़ बन के आ गया है, सोई करी कूब राधिका पर फेरी फाटी है, अब तो राधिका के ऊपर उसने आकर के धावा बोल दिया है, कृष्ण के प्रेम में बाधा बन गई है। सोई करी कूब राधिका पर फेरी फाटी है, कहे रत्नाकर अरे परेखो ना ही आपको नेकू, कहती है मुझे इसे परेखो, मुझे इसका बिल्कुल जलन नहीं है, इसका बिल्कुल दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि याकी तो सदा की ये पाकी परिपाटी है, याकी इसकी कुब्जा की, याकी तो सदा की हमेशा की ही ये पाकी परिपाटी है, पक्की परंपरा है। किन कहती है मुझे तो कृष्ण पर दया आती है, कृष्ण पर दुख होता है, सोच है यह कह, मैं तो यही बार बार सोचा करती हूं, ताकि देखें आप श्रृंगार, उन्होंने कुब्जा के साथ कृष्ण के शारीरिक संबंध को स्थापित कर दिया। कहती है सोच है, अब हमारे हमारा है अपने रस पर, सोच है यह के संग ताके रंग भवन माही, अरे उसके संग जब ये रथ क्रीड़ा कक्ष में जाते होंगे, संभोग कक्ष में जाते होंगे, कौन धो अनोखो ढंग रचत निराटी हैं, कौन सा ऐसा ढंग निकालते हैं कि उसके साथ आसानी से सहवास कर सकें, क्योंकि वो तो कुब्जा है, कुबड़ी है, कैसे लेटती होगी? कहती है छाट देत कुबर, यहीं पर घृणा है, कहती है ऐसा लगता है कृष्ण कुछ देर के लिए उसका कुबर छाट देते होंगे, चाकू लेकर, तलवार लेकर, गड़ासा लेकर, छाट देत कुबर कि आट देत डाट काहू, या कोई डाट लगा देते हैं, या काट देत खाट, अथवा खाट को काट देते हैं, या पाट देत माटी है, या उस स्थान पर मिट्टी लगा करके बराबर स्थान कर लेते हैं। ये था श्रृंगार के साथ साथ बेभत्स और घृणा का भाव। तो जहां पर किसी व्यक्ति को, घृणित व्यक्ति को या वस्तु को देखकर
घृणा का भाव उत्पन्न हो, ग्लानी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर होता है विभत्स रस। और इसी के साथ आज के इस रस से हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करते रहें और लोगों को बताते रहें, दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।